हेलो दोस्तों, मैं हूँ बंटी मीना और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस इन्फॉर्मेशन में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग ऑल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ राजस्थान के बारे में। राजस्थान में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन सी है और बीएससी नर्सिंग करने के लिए कितनी फीस लगती है और कितनी सीट किस कॉलेज में है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बीएससी नर्सिंग आरएचएस इन्फॉर्मेशन पर। तो दोस्तों, देख लेते हैं हम वो कौन कौन सी कॉलेज है जो बेस्ट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, यही राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज है। इनके अलावा कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अभी तक नहीं है। तो जैसा ही देख रहे हो, फर्स्ट नंबर पर है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एसएमएस कॉलेज। ये जयपुर में है और इसमें सीट है 100। जनरल ओबीसी एसटी सभी के लिए 100 सीट है। और इसकी फ़ीस की बात करें अगर दोस्तों, तो इसकी फ़ीस बिल्कुल फ्री है, कॉलेज बिल्कुल निःशुल्क है। आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, ओनली कोई फॉर्म के 200-400 रुपये देने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ फ्री है। इससे बेस्ट कॉलेज कोई सा भी नहीं है राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के लिए। ये टोटल प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है एसएमएस कॉलेज, जो कि बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पीबीएम हॉस्पिटल कॉलेज बीकानेर। ये बीकानेर में है और इसमें भी 100 सीट है। अगर इसकी फीस की बात करें तो ओबीसी और जनरल के लिए 50,000 है और एसटी एससी के लिए 21,000 है, जो कि रिटर्न मिल जाती है छात्रवृत्ति के तौर पर, यानी कि ये भी फ्री है एसटी एससी वालों के लिए। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ एमबी हॉस्पिटल उदयपुर। ये उदयपुर का कॉलेज है। अगर इसमें सीटें देखें तो इसमें 50 सीट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सीट है। स्कॉलरशिप इसमें भी आती है और इसकी फ़ीस है वही 50,000 रुपये। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट ऑफ नर्सिंग एमबीए गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इसमें दोस्तों, इसमें 100 सीटें हैं और इसमें फ़ीस की बात करें अगर, तो इसमें 50,000 ओबीसी और जनरल के लिए, एसटी एससी के लिए भी 50,000 है, लेकिन स्कॉलरशिप मिल जाती है तो फ्री माना जाता है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अजमेर। इसमें 60 सीट है और फीस सेम है वही 50,000। अगर नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑफ अलवर। ये अलवर में, इसमें भी 60 सीटें हैं, फीस वही है सेम। अगर नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, सातवें नंबर कॉलेज, तो नर्सिंग ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज डॉक्टर मेडिकल कॉलेज जोधपुर। ये जोधपुर में और इसमें सीट है वही 60 सीटें, इसमें 40 सीटें हैं। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि जोधपुर में, फीस वही सेम है 50,000। और नेक्स्ट कॉलेज की बात करें अगर, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ चूरू। ये अभी गवर्नमेंट कॉलेज चूरू है, इसमें 60 सीटें है। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसकी फ़ीस भी वही है सेम। अब नवे कॉलेज की बात करें जो कि लास्ट कॉलेज है गवर्नमेंट ऑफ नर्सिंग राजस्थान। इस कॉलेज का नाम है आरवीएचएस ऑफ नर्सिंग, जो कि अभी नया बना है। इसमें 100 सीटें हैं, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इसमें फीस वही है 50,000 और एसटीएससी के लिए भी 50,000 ही है, और इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है तो फ्री माना जाता है। तो दोस्तों, ये सब कॉलेज है जो राजस्थान में हैं बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज। इसके अलावा अभी तक कोई भी कॉलेज गवर्नमेंट नहीं है, यही 9 कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है नर्सिंग के लिए। अगर दोस्तों कोई भी नया कॉलेज बनता है गवर्नमेंट कॉलेज, तो हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ऑल राजस्थान की न्यूज़ अपडेट, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, सभी कुछ पर इसी चैनल पर मिल जाएगी आप, इसलिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कौन सा कॉलेज कहाँ है और कितनी सीटें किसमें और फीस कितनी है। एसएमएस की बात करें तो एसएमएस में बिल्कुल फ्री है। अगर आपके एसएमएस में नंबर आ गया तो आपको तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, आपको फ्री में पढ़ाई होगी और बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। अगर आप एसएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम नंबर 70 या 70 से ऊपर तो होना ही चाहिए, एसटी एससी ओबीसी सभी के लिए, तभी आप एसएमएस में एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होके एसएमएस में आ सकते हो, क्योंकि एसएमएस प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है।
अगर दोस्तों आपको प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी जानना है कि यह प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सी है बेस्ट कॉलेज, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे कि बेस्ट कॉलेज प्राइवेट कौन कौन सी है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जो अभी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें काउंसलिंग हो रही है अभी। फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, 11 तारीख तक फर्स्ट काउंसलिंग ही चलेगी। तो जो भी काउंसलिंग करवा रहा है वो करवा ले, और जिसको पता नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और काउंसलिंग कैसे करवानी है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, सब कुछ समझा रखा है। और दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट काउंसलिंग का अपडेट आएंगे हम आपको बता देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो और हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।